दिवाली ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ उसका सूचक अंक 418 हो गया, जो कि गंभीर श्रेणी के दस दिए कि एक बार फिर दिवाली ते हवा काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। AQI 400 तो पार दसया जा रहा। दिल्ली में 6 दिन तक अजिहे हालात बने रहेंगे क्योंकि दिवाली का त्यौहार है ते अजिहे त्यौहार के विचाले लोगों के वलों चंगी आतिशबाजी की जा रही है। हालांकि कई बार दिल्ली सरकार के वलों पटाकों को चलाने के लिए कई ही सख्ती भी वरताई गई है, लेकिन दस दिए कि आतिशबाजी चलाने करके एक बार फिर जी हवा उसका IQ जोड़ा वो खराब हो चुका है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडैक्स 307 दर्ज किया गया सगा, जदों कि यह साल 2023 दे विच 220 अते हुण साल 2022 दी गल करिए तां 259 दर्ज किया गया सगा, जो कि गरीब श्रेणी दे विच सी। पर अजिहे च दिवाली वाले दिन पटाकियां कारण दस दिए कि शुक्रवार को हवा गंभीर श्रेणी के दर्ज होने की संभावना दसी जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भविष्यवाणी की है कि वीरवार को यह बहुत माड़ी श्रेणी के रहा है ते नाल ही पटाकों ते पराली का धुआं हवा को जहरीला बना सकता है। अजिहे स्थिति के हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के पहुँच सकती है, इस कारण लोगों को साह लैण दिक्कत का सामना करना पै सकता है। दिल्ली के एक स्थानक नागरिक के वालों कहा गया कि प्रदूषण कारण सानू कई समस्यावां का सामना करना पै रहा है, खास करके अखां जल रही ने। प्रदूषण की समस्या के नाल नजिठण लई कुछ नहीं किया जा रहा। हालांकि मौसम विभाग का अंदाजा है कि प्रदूषकों के प्रभावी फैला लई मौसमी हालत अनुकूल नहीं है। अगले 6 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी के रहने वाला है। पर जिस तरीके दे नाल त्यौहार भी ने, पर यूथ की जेकर गल करिए इस दिवाली के त्यौहार को बिना पटाकों के सैलीब्रेट नहीं कर सकते। पर जिते यूथ अपने खुशी को आतिशबाजियां चला के जाहिर करते हैं, पर इस पटाकों की आतिशबाजी कारण हवा जड़ी और जरूर प्रदूषित होती है, जो बाद विच लोगों के लिए फजीहत बन रही है।